सो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कैसे देख सकते हो, आपका पैसा कहाँ है, आप लोगों को जो है चेक करना है आप लोग चेक कर सकते हो बड़े इजी प्रोसेस से दोस्तों। हाँ, आप घर बैठे किसी भी आप लोग लैपटॉप से या फिर मोबाइल से आप लोग चेक कर सकते हो, बड़े इजी प्रोसेस है। आप लोग जो है अपना जान सकते हो कि मेरा स्कॉलरशिप कितना आ रहा है और कितना कब आ जाएगा, ये आप अपना ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है अपना स्कॉलरशिप जानने के लिए और अपना कहाँ पे है स्कॉलरशिप आप लोगों को चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है मित्रगण, कृपया जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है देखने के लिए अपने आप लोगों को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे आना है। क्रोम ब्राउजर पे आप लोगों को सर्च करना है एक वेबसाइट जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे PFMS। ये आप लोग जब दोस्तों वेबसाइट सर्च करोगे सो सेकंड पोजीशन पे आप लोगों को दिखाई देगा। सो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई देगा PFMS। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो है कुछ इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी यहाँ पे ऐसी कुछ। सो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को टुडे के ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाई देगा FY 2020-21 का ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा नाउ योर पेमेंट्स। उसके बाद आप लोगों को नीचे दिखाई देगा ट्रैक NSP पेमेंट्स। सो दोस्तों, यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को नाउ योर पेमेंट पे जाना है, क्योंकि ये जो है आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करके तभी आप देख सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पे ऐसा आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो है सबसे पहले आप लोगों को अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट पोजिशन पर अपना आप लोगों को बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों का बैंक हो दोस्तों उसको आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारी बैंक खुल जाएंगी आपके सामने, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को वही अपना जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है, अपना डालना है। उसके बाद आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखना है दोस्तों यहाँ से। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को अपना इंटर अकाउंट नंबर, जो भी आप लोगों का अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना है दोस्तों। सो यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ। सो यहाँ से जो है आप लोगों को भर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सेम अकाउंट नंबर नीचे भी डालना है, वही अकाउंट नंबर आप लोगों को डालना है। सो मैं फिर से सेम नंबर डाल लेता हूँ। सो ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक भरना है यहाँ पे, तभी आप लोगों को जो है छात्रवृत्ति यहाँ पे दिखाई देगी दोस्तों। सो ये भर लिया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है अपना ये जो है वेरिफिकेशन कोड भर लेना है दोस्तों यहाँ से, जो ये दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये कैप्चा जो है इसको मैं नीचे फिलअप करूँगा यहाँ पे। यहाँ से जो है आप लोगों को ये कैप्चा भर लेना है। सो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो ये मैंने सब कुछ भर लिया। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लोग सर्च करोगे आप लोगों को यहाँ पे जो है आपकी अगर जो छात्रवृत्ति आती है तो दोस्तों आप लोगों को नीचे खुल के दिखाई देगा, ठीक है। अगर जो आप लोगों का नहीं आता है यहाँ पे तो आप लोगों को नो रिकॉर्ड्स फाउंड यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसे जो है आप अपनी छात्रवृत्ति चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आएगी तो आप लोगों को नीचे यहाँ पर शो होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप चेक कर सकते हो अपना स्कॉलरशिप आप लोगों का कहाँ आया और कहाँ पे है, तो आप लोगों का कितने दिनों में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को PFMS पे अगर जो शो होने लगा तो आप लोगों का जो आप लोगों के अकाउंट में है कितने दिनों में पहुँच जाएगा दोस्तों। पहुँचने के लिए तो आप लोगों को 48 घंटों में पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को
यहाँ पे जो है 7 डेज लग जाते हैं आप लोगों के अकाउंट में आने में, ठीक है। मैक्सिमम आने को तो 48 हॉर्स में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 दिन 8 दिन लग जाते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 महीना तक भी लग सकता है, ठीक है। और आप लोगों का अगर जो PFMS पे शो हुआ है तो आप लोगों की छात्रवृत्ति 100% आपके अकाउंट में आएगी। इसमें आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को दोस्तों आगे ले जाना है आप लोगों को ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।